आपको मालूम आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत एक पल है बाबू मुशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मुशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं दोस्त? बाबू मुशाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं तो फिर डर किस बात का? नमस्कार दोस्तों, एडवेंचर एंटरटेनमेंट के इस स्पेशल वीडियो में मैं निषाद आप सब लोग का फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम समर्पित कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार जिन्होंने अपने अभिनय से हम सबको आनंद दिया, और उनके ही आनंद फिल्म में उन्होंने हम सबको एक बड़ी बात कह दी कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के बारे में। दोस्तों, राजेश खन्ना जी का आज पुण्य स्मरण दिन है, और इस अवसर पर एडवेंचर एंटरटेनमेंट की ओर से हम पेश करने जा रहे हैं राजेश खन्ना की यादों में राजेश खन्ना स्पेशल, ये जो मोहब्बत है। Yeah.
राजेश खन्ना जी का जन्म 29 दिसंबर 1942 में अमृतसर में हुआ। पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और माता का नाम चंद्रानी खन्ना। उनके रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने बाद में राजेश खन्ना को गोद लिया और उनकी परवरिश की। राजेश जी का बचपन का नाम जतिन खन्ना था, लेकिन बाद में उनके अंकल के तलवार जी ने उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया और यही राजेश खन्ना बाद में फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार बने। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। शाम कुछ
कुछ अजीब ।1935 में खन्ना परिवार लाहौर से मुंबई आया और गिरगांव के ठाकुर द्वार में सरस्वती निवास में रहने लगा। राजेश खन्ना जी सेंट सेबास्टियन हाई स्कूल में पढ़ने लगे। तभी उनके दोस्त रवि कपूर जी, जिन्हें हम बड़े प्यार से जितेंद्र के नाम से जानते हैं, कॉलेज का करियर राजेश खन्ना जी ने केसी कॉलेज में किया। स्कूल और इंटर कॉलेज थिएटर कॉम्पिटिशन में राजेश खन्ना जी काम करते रहे और ढेर सारे इनाम जीतते रहे। 1965 में ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में 10,000 प्रतिस्पर्धियों में से जीत कर 1966 में राजेश खन्ना जी ने अपनी पहली फिल्म की और फिल्म का नाम था आखिरी खत। और यही फिल्म उस साल बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर में जाने वाली हिंदुस्तान से पहली फिल्म रही।
1969 से 1971 तक राजेश खन्ना जी ने तकरीबन 17 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया, लेकिन जिस फिल्म ने राजेश खन्ना को सदी का पहला सुपरस्टार बनाया वो फिल्म थी आराधना। शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना जी की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और आराधना के गानों ने तो उस जमाने में धूम मचा दी। राजेश खन्ना उस समय के सबसे महंगे हीरो साबित हुए, जिनके साथ हर कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और संगीतकार काम करना चाहता था। I'm not afraid.
ऑन स्क्रीन राजेश खन्ना जी ने तकरीबन उस जमाने की हर हीरोइन के साथ काम किया, लेकिन शर्मिला टैगोर, आशा पारेख और मुमताज जी के साथ राजेश खन्ना जी ने सबसे ज़्यादा फिल्में की। हाथी मेरे साथी फिल्म में तनुजा जी के साथ राजेश खन्ना जी की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। उस जमाने में लड़कियों में राजेश खन्ना जी का जादू इस कदर छा गया था कि कहा जाता है कि राजेश खन्ना जी की गाड़ी पर जमी धूल से लड़कियां अपनी मांग भरा करती थी या राजेश खन्ना जी की तस्वीर से शादी कर लेती थी। एक किस्सा उस जमाने में मशहूर रहा कि राजेश खन्ना जी की एक फैन जो लड़की थी, जिसने अपने खून से सुपरस्टार राजेश खन्ना को खत भी लिखा था। फैंस की ऐसी दीवानगी शायद ही किसी सुपरस्टार को मिली हो। ओ मेरे
चल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन मेरे दिल को दुखवा दीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन। अपने पूरे करियर में राजेश खन्ना जी को ढेर सारे अवार्ड से नवाजा गया। राजेश खन्ना जी को 3 बार बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है और फिल्म फेयर के 75वें सालगिरह पर राजेश खन्ना जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने भी पद्म भूषण देकर राजेश खन्ना जी के कला का सम्मान किया है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो राजेश खन्ना जी का विवाह डिम्पल कपाड़िया से हुआ और उनसे उनको 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना जी ने बाद में सुपरस्टार अक्षय कुमार से शादी कर ली और अक्षय कुमार बने राजेश खन्ना जी के जमाई। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सतीश दिलीप बागड़े, थैंक यू टू द सुपरस्टार ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री राजेश खन्ना जी फ्रॉम द फिल्म अगर सुनना हो तो होप यू लाइक इट। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बाहरों का मौसम आया हो जैसे, तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बाहरों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, खबर में ही रहते किनारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता,
का किनारे पे भी तो लहरा डुबोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना जी को काका के नाम से जाना जाता था। उनकी शोहरत इतनी बड़ी थी कि उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में एक मुहावरा बन गया था कि ऊपर आका तो नीचे काका। ऐसे महान सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के जीवन में ऐसा भी समय आया कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतनी हिट नहीं रही। फिर उन्होंने राजनीति की तरफ अपना कदम बढ़ाया और उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर भी चुन के आए। समय बीतता गया और राजेश खन्ना जी की तबीयत नासाज रहने लगी। बीमारी इतनी बड़ी कि आखिरकार 18 जुलाई 2012 को मुंबई में आशीर्वाद बंगले में सुपरस्टार राजेश खन्ना जी ने अपनी अंतिम सांस ली। सदी का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना इस दुनिया को अलविदा करके चला गया। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई, कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे जो ताने देते हैं हम खोए हैं इन रंग रलियों में, हमको जो ताने देते हैं हम खोए हैं इन रंग रलियों में, हमने उनको चुप चुप के आते देखा
इन गलियों में ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। थैंक यू। राजेश खन्ना एक ऐसा सुपरस्टार जिसने अपने स्टारडम से और अपनी अनोखी एक्टिंग की अदा से करोड़ों हिंदुस्तानियों के हृदय पर राज किया। ऐसे सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का नाम फिल्म इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। एडवेंचर एंटरटेनमेंट की ओर से सदी के पहले सुपरस्टार के बारे में हम बस इतना ही कहेंगे, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे छुपा दे, मैं तुझे कहीं
आपके सपने सजाए हैं।
है बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजमेर क्या है अजबाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजमेर क्या है अजबाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। दीवाना लेके आया
है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यार ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आज का दिन है कितना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा, पूरी हो दिल की सारी मुरादे, खुश रहे यार मेरा, जीवन साथी मुबारक, जीवन में आना दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। अपने भी है कुछ ख्वाब अधूरे, कौन अब गिने कितने, हाय सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने, अब मेरी खुशी है दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। थैंक यू। जिंदगी के सफर में गुजर
Thank you.